Hey everyone, welcome back to my channel. So let's start our today's video without wasting time. हम जो हैं वो mathematical economics कल से पढ़ रहे हैं, basic and advanced. इसमें हमने जो private students हैं उसकी तैयारी के लिए मैं help कर रही थी, क्योंकि मैं खुद private student हूँ तो मुझे पता है कि कितना difficult होता है ये सारी study को लेके चलना और किस कदर मुश्किल होता है कि teacher sometimes help out नहीं करते. लाइक इन माई केस तो समटाइम ऐसे होता है मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं गूगल कर रही हूँ, आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स, यूट्यूब कर रही हूँ, बट इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर मी. हाँ मेथड बता देते हैं, इस मेथड से सॉल्व करें, बट भाई क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें ये जानना है, सो इसमें कोई हेल्प नहीं करता. सेकेंड, समटाइम टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि मोस्टली मेरे टीचर तो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. मैं उनको हैंड रेज करूँ फलाना ये वो, तो एक मेरे टीचर है वो, उनको तो मेरा नाम भी नहीं आता. दो टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ रही हूँ और एक टीचर है उनको नेम तो आता है लेकिन वैसे फीलिंग आती है ही जस्ट इग्नोर्ड मी एवरी टाइम. मैं हैंड रेज कर रही हूँ जैसे ओके बाय बाय टाटा सी या एंड क्लास खत्म, एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स जस्ट इट हैपेंड. सो आई ट्राइड कि मैं अपनी भी हेल्प कर सकूँ और आप सबकी भी हेल्प कर सकूँ. सो उसी हेल्प के चक्कर में हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. राइट, इसमें जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, हमने जाना था कि फर्स्ट टू चैप्टर्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस करनी है. कौन कौन सी करनी है वो मैं फिर किसी दिन आपको बता दूंगी. अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से हमने क्या सीखा था कि हमने इसमें किस तरह से फाइंड करनी है एक ही फार्मूला का यूज़ करते हुए. अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर रिपीट कर देती हूँ, मैं हमीद शाहिद की बुक से ये काम करवा रही हूँ. इसके अलावा अगर दूसरी बुक से करवाना, एक और बुक है उसके ऊपर से भी मैं क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करके आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि एम ए इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ईजी और आपको पता है इसको एम एस सी भी कहा जाता है क्योंकि इट्स स्टडी ऑफ साइंस एज वेल. ठीक है, तो ये साइंस स्टडीज़ भी कहलाती है ऑफ इकोनॉमी. सो That's why, what I was saying, yeah, I think so, मैं जस्ट भूल गई हूँ. चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, चैप्टर 3 में से हम करेंगे आज 9 to 16 questions. अगर आपको फर्स्ट 8 questions में से किसी में हेल्प चाहिए या आपकी अभी बेस नहीं बनी, आपको नहीं पता कि इन questions को कैसे सॉल्व करना है, गो फॉर फर्स्ट वीडियो एंड लर्न फ्रॉम देम दैट वीडियो. जब आप वहाँ से सीख लोगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, आसानी होगी. और अगर आपको 9 to 16 में से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है सो आज उसमें काम करेंगे. अच्छा एक चीज़ जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो की थी वो ये थी कि बुक के ऊपर जो मेरे पास सोल्यूशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ रहा है ना, यू कैन सी दैट वो आई थिंक सिर्फ 12 लिखा हुआ था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, 12 नहीं है. सो जस्ट इग्नोर दी वन. लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया हुआ है देख ले, चले एम एल भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें टू इक्वेशंस दी हुई है, क्यू डी प्लस इज इक्वल टू 1200 माइनस 2p और क्यू एस दिया हुआ है, क्यू एस इज इक्वल टू 4p. तो ये सिंपल है, आपको फॉर्मूला भी आता है, आपको ये भी पता है आपने किस तरह से करना है, लेकिन जस्ट रिवीजन आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है. आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पढ़ के सुनाए कोई बच्चा. आप समझ में होंगे मैं शायद टीच कर रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ. ओके, कोई और स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे. सो आपने सबसे पहले ये वर्डिंग लिखनी है, एट द मार्केट. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि फार्मूला क्लियर रहे. सो आपने सबसे पहले आप इससे पहले ये भी लिख सकते हैं, आई नो दैट या वी आई नहीं यू शुड राइट वी नो दैट एट द मार्केट आगे वर्ड जो मुझसे बोलना नहीं चाहता, जिसकी दफ़ा मेरी जुबान ट्विस्ट कर जाती है, एक्विलिब्रियम समथिंग लाइक दैट. ओके एक्सक्यूज फॉर दैट. सो क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमारा फॉर्मूला है. पुट करेंगे वैल्यूज़ को, अगेन मैं फॉर द न्यू स्टूडेंट्स और फॉर द रिवीजन बता दूँ, आपने क्यू डी और क्यू एस की जगह बेहतर लिखे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. राइट, उसके बाद आप करेंगे उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. इस साइड पे आपकी आ गई क्यू डी,
साइड पे आपके आगे QD की वैल्यू और इस साइड पे QS सीधा तो सर इस साइड पे आगे हमारी QS की वैल्यू, ठीक है, एक साइड पे QD एक साइड पे QS हमने लिख लिया है और उनकी वैल्यू पुट की गई है बेसिकली। सो 1200 माइनस 2P इज इक्वल टू 4P, 4P ये जो 2P है इस 2P को हम एक्चुअली मुझे ना इसका ये पॉइंट छोटा नहीं करना आता मार्कर का, सो इसी को ले लेते हैं। सो ये जो आपको कहाँ रुक रही है ये जो आपको 4P नज़र आ रहा है ये हमने ऊपर वाला जो है उसको वैसे लिया हुआ है और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए है ना, ए दैट्स इनफ, अब विजिबल है राइट। और ये जो है हमारा या सो ये जो 4P है इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया है और ये जो 2P है यहाँ पे माइनस हो रहा है इस साइड पे माइनस हो रहा है 2P, सो उस माइनस 2P को ये जो हो रहा है ना हमारा माइनस 2P दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, कम ऑन बड़ा करना है भाई तुझे, तो बड़ा होने के काबिल है। सो ये जो 2P है माइनस 2P इसको हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 4P की साइड पे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 2P, माइनस 2P से क्या बन जाएगा प्लस 2P, 4P प्लस 2P इज इक्वल टू 1200, 1200 उसी साइड पे रहेगा, 4P और 2P को जब प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 6P, 6P में से जब P वैसे का वैसे ही रहेगा 6 दूसरी साइड पे आएगा तो वो डिवीजन की हालत में आ जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई कोई बता सकता है उनकी पास में, यस 200। सो इस सिंपल से आंसर को जो क्या है 200, आज ये तंग कर रहा है, कल तो प्रॉपर काम कर रहा था, हाँ आज तो ये क्या हुआ, सो डन। सो ये जो 200 है ये हमारा आंसर आ गया, अब 200 जो आंसर आ गया इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, कर ले वन में कर ले टू में कर ले, मैंने टू में किया क्योंकि उसमें कुछ खास करना नहीं था, उसमें सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन होनी थी, 200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया जी 800। तो ये दो हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स, ये सिर्फ रिवीजन के लिए किया था, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे हम उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फिर भी अगर कोई पॉइंट समझना आया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सवाल क्या है, क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 0.02P, क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 0.07P, ठीक है, सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, वो था क्यू डी क्वेश्चन नंबर 6, क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस 0.2P और क्यू एस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0.6P, आज उसी से मिलता जुलता है, बस क्यू डी और क्यू एस को उन्होंने रिमूव करके क्यू लिख दिया है और हमें पता है कि क्यू हम लिख सकते हैं, क्यों पता है क्योंकि हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला हमें बताता है कि भाई हम यूज़ कर सकते हैं, हम खुशी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला हमें साफ साफ बताता है क्यों लिखा जा सकता है, सो हमने क्यों लिख लिया है, सिंपल सा है, उसको पुट कर दिया है वैल्यूज़ को और जब माइनस हुआ है तो 0 आ गया भाई 2 के साथ, तो पी
जीरो आ गया, और जो प्राइस जो है वो तो जीरो है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है? टू। ओके, सो इट वॉज क्वाइट सिंपल, इसमें कोई इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने वो जरूर लिखना है जो कोटेशंस लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताई थी, जैसे कि पुटिंग द वैल्यूज इन वैल्यूज ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, या एट मार्केट एक्विलिब्रियम चेंजिंग है, सॉरी। आपने ये दो चीज़ें जरूर नोट कर लेनी है, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत लेंथी भी नहीं है और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है, ठीक है? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के तो बंदा डर जाए, बस यह थोड़ा सा जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं? एक मुझे ना क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने दें, आई थिंक से पहले ये आई थिंक सब आप देख पा रहे होंगे। क्यू डी इज इक्वल टू 50 - 8/7 b, और क्यू एस इज इक्वल टू 10 + 2/3 b। सो ये दो इक्वेशंस हैं, अगेन सिंपल से इक्वेशंस हैं, इनको पुट कर देंगे फार्मूला में। फार्मूला में पुट करने के बाद इसमें जो ट्रिकी चीज़ है वो जो है बटा में रकम का आना है ना, उर्दू मीडियम के लिए बटा, ये जो 2/3 की शेप में और 8/7 की शेप में दी हुई है वैल्यू, वो है ट्रिकी थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, इजी है, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है? पी की वैल्यूज एक साइड पे चली गई और क्यू की जो सिंपल वैल्यूज है वो एक साइड पे चली गई। दोनों को जब ऐड करेंगे, सिंपल वैल्यू तो सिंपली 40 आ जाएगी, वो लेस हो जाएगी, 10 लेस हो जाएगा 50 में से, 40 आ गया। लेकिन जब पी को देखेंगे तो पी इन दोनों में कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लेंगे। जो बाकी वैल्यू है 2/3 एंड ये जो है 2/3 एंड कैसे हैं आप, क्वेश्चन समझना। सो ये वाली जो वैल्यू है ना पी, इसमें हमने पी को कॉमन ले लिया है, और हमने क्या किया है, हमने किया है 2/3 और 8/7 को प्लस किया है और एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, ठीक है? उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा मुझे उम्मीद है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 21/14 + 24 आ गया इज इक्वल टू 40। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता प्लीज़ पहले इसको सीख लें, ठीक है? एलसीएम लेना आई थिंक सो सबको आता होगा, क्योंकि ये तो बच्चों के लेवल की चीज़ है। आई थिंक ये 5th क्लास में 4th क्लास में सिखा दिया जाता है, सो ये तो सबको लेना आता ही होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो बता देती हूँ, एलसीएम दो तीन तरीक़ों से लिया जाता है। मैं इस तरीके से लेती हूँ, जैसे 3 एलसीएम में क्या किया जाता है, जो नीचे वाली रकम होती है उन उनमें से कॉमन लिया जाता है, इस तरह से बना के ना, और 3 और 7 ये दो रकम है, राइट? सो इसको हमने ले लिया। वैसे ये सबको आना चाहिए, इनको फिर देखते हैं कि कौन से कॉमन चाहे टेबल पे ये डिवाइड हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 के टेबल में 7 आता है, ना 7 के टेबल में 3 आता है, सो दोनों को सेपरेटली कर लेंगे, ठीक है? सो पहले 3 के ले लेते हैं, 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, 3 1 सा 3, और 7 जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? और फिर क्या होगा जी, फिर हम क्या करेंगे, हमने इनको तब तक इस तरह से करते रहना होता है जब तक दोनों 1 1 नहीं हो जाते, ठीक है? अब एक तो 1 हो गया, सेकंड को भी 1 करना है, उसको 1 करने के लिए हमने क्या करना है, 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 7 के टेबल में कहाँ पे 7 आता है, 1 पे। सो हम क्या लिखेंगे, 7 1 इज़ 7, 1 जो 3 वाला 1 था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हो भी ये तो आता होगा सबको यार, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कहीं मेरे जैसे भी होते हैं स्टूडेंट। सो उसके बाद ये एलसीएम तो हो गया, अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आंसर आया ना आपके, इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अगर वैसे ज़्यादा रकमों का आपने किया है, ज़्यादा आ रही है, तो जितनी भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे होंगे, यहाँ पे जब तक आता जा रहा है तब तक के जितने पॉइंट्स हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, उन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको रेज कर देती हूँ, आपको बताना ही मकसद था, बता दिया तो इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। सो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 = 21, राइट? सो ये जो 21 आ गया ना, इसको हमने कर लिया नोट डाउन, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो थी 2/3 +
हमारे पास इक्वेशन थी 2/3, कलर आई थिंक जो ब्लैक कर देना चाहिए आपको, 2/3 और जो प्लस और सेकंड इक्वेशन में क्या आना था, 8/7, ओके 8/7 यही थी इक्वेशन। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 29, नीचे तो 29 आ जाएगा, ऊपर क्या आना है, ऊपर हम देखेंगे 3 को देखेंगे, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 21 आता है, सो 3 7 21 7 तक पढ़े तो जो नंबर आएगा 7 उसको फिर आपने क्या करना है 2 के साथ डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इसको ना एक मैं करती हूँ, इसको एक साइड पे करके इसको फिर उस पर वापस आएंगे, पहले एक और एड कर लें। हमने क्या देखना था, 21 आया है कलेक्टिवली, इसको डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे जो दूसरे वाली वैल्यू थी ना 2/3 उसमें जो 3 है उसके ऊपर, 3 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 7, वेरी गुड। और जो आंसर आया है 7 उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ ऊपर वाली रकम के साथ, ऊपर रकम क्या है 2, सो 2 के साथ जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14, वेरी गुड, आप तो बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, इसी तरह जब दूसरी रकम को लेंगे तो उसमें भी 21 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, नीचे वाली अमाउंट के साथ, नीचे वाली अमाउंट क्या है 8/7 में 7, 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, वेरी गुड। और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली अमाउंट के साथ तो आंसर क्या आएगा 24, वेरी गुड। सो ये जो है ना, ये वो अमाउंट्स हैं जिसको लेके 24 एंड 14 जिसको हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, और मिड वाला जो साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ना यहाँ पे ये नोट करें तो नीचे नजर आ रही है 14 प्लस 24 ओवर 21 सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। जिसको नहीं लेना आता, अगर मेरे में से समझ नहीं आई, जाके एलसीएम हाउ टू टेक एलसीएम या इस तरह से सर्च करें गूगल यूट्यूब बड़ा हुआ इनकी वीडियो से तो आपको मिल जाएंगी, एलसीएम लेना सीख लें। मेरा ख्याल है हमें तक तो आ ही जाता होगा, अगर नहीं भी आता फिर भी इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो एलसीएम आपने ले लिया तो उसके बाद इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद क्या अमाउंट आ रही है 38/21 इज इक्वल टू 14। पी को रहने देंगे, दूसरी साइड पे अमाउंट चली जाएगी, यहाँ पे आप नोट करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है 38/21 तो ये इधर जाके डिवाइड होगा। अब जब दूसरी साइड पे बटा की रकम जब दूसरी साइड पे जाती है ना तो जो नीचे आती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, देखिए आपने नोट किया होगा यहाँ पे 31/38/21 था, यहाँ पे 21/38 हो गया, रकम उल्टी गई है ये देखें सॉरी। तो उसके बाद कैलकुलेटर पकड़ें और इसको सॉल्व कर दें बस। अगर वो कहे कि डेसिमल में चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला आंसर निकालना है। अगर वो कहे कि डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप डेसिमल, आजकल के जो न्यू कैलकुलेटर्स हैं ना उसके अंदर जब आप पुट करते हो वैल्यू तो वो बटा में एक दफ़ा देता है। ठीक है, तो आप वो बटा वाली रकम लिख दीजिएगा, अगर नहीं वो दे रहा तो तब भी ईजी है यार, आप इसको मल्टीप्लाई करके तो निकाल लो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं आता होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसके ऊपर छोटी सी शॉर्ट बना दूंगी। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट में सेम अगेन, ये तो वो काम है जो हम करते आ रहे हैं शुरू से, कि वैल्यू को पुट किया और वैल्यू पुट करने से क्या हुआ, अगली रकम आ गई, क्यू की रकम आ गई। सो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया 24.74। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हल हो गया। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके ऊपर टाइम गुजारना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसकी आपने प्रैक्टिस ना पिछले सारी वीडियो में भी, पिछली एक्सरसाइज से भी पार्ट से भी करते आ रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, इसको बस एक दफ़ा देख लेते हैं। सो क्या आया जी, क्यू इज इक्वल टू 20 प्लस 3 पी, q
क्यू इज इक्वल टू 160 माइनस 2p। सो इनको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर पी का आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद 28, उस वैल्यू को 28 को पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो आंसर आ जाएगा 104। ईजी है, ना समझ आए वीडियो रोकें, इस क्वेश्चन को करें, प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, ईजी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है क्योंकि उसमें एक दो चीज़ ऐसी न्यू ऐड हुई है जो समझने की जिसको ज़रूरत है। ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है पी इज इक्वल टू 50 - 7/8 क्यू, ठीक है, और पी इज इक्वल टू 15 + 3/4 क्यू। सो इसमें उसने क्या किया, उसने हमें बजाय क्यू क्यू देने के पी पी दे दिया है। सो क्या करें फिर, हम क्या करेंगे, हम क्यू को अलग कर लेंगे, ठीक है। वैसे इस तरह भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है पीपी के साथ भी, लेकिन बेहतर है कि क्यू क्यू को अलग कर लिया जाए। सो क्यू क्यू को अलग कर लेंगे। क्यू क्यू को अलग करने के लिए हमने क्या किया, रीराइट किया फर्स्ट इक्वेशन को, आप नोट करो तो, रीराइट किया फर्स्ट इक्वेशन को। रीराइट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। वाई टू मल्टीप्लाई 8 विद 8? क्योंकि हमने क्यू को खाली करना है ना, क्यू को सेपरेट करना है, क्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं रखनी। तो उसका जो नीचे वाला बटा वाला है ना अमाउंट, ये 8 उसकी ये जो बटा वाली अमाउंट है 8 ये वाली, इसको ख़त्म करने के लिए हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे 9 होता नीचे, क्यू के साथ नीचे 9 होता तो हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते, अगर 14 होता तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करते। बेसिकली हमारा पर्पस इस 8 को ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो 8 है ना, ये वाला जो 8 है क्यू के साथ नीचे, इस 8 को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म कर दो, ख़त्म बच्चों की तरह ख़त्म कर दो। सो इस 8 को ख़त्म करना है हमारा पर्पस। सो इसके लिए हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्यू के साथ 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p इज इक्वल टू 400 - 7p आ जाएगा। इस सारी रकम को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। ये मतलब 7q को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा 7q + 8p इज इक्वल टू 400, और 8p को उठा के साइड पे ले जाएंगे, उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस, सो उधर प्लस हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस हो रहे थे, फिर उसके बाद क्यू से हमने अब 7 को हटाना है, तो क्यू से 7 को हटाएंगे तो वो साइड पे जाके तो डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे तो जो आंसर्स हैं वो हमने इधर लिख दिए हैं, जो आंसर आए हैं वो हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी, ठीक है। उस इस सेम प्रोसीजर हमने करना है जो सेकंड हमारी इक्वेशन है उसके साथ। पी इज इक्वल टू, अब क्यू के नीचे 4 आ गया तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू के साथ मतलब बटा में 4 आ गया तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 4 ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिस तरह ऊपर हमने 8 के साथ किया था, नीचे 4 के साथ करेंगे। अगेन सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये करेंगे कि उसको एक साइड पे ले जाएंगे, और क्यू के साथ हमारे पास, फिर हमारे पास जो रकम आ रही है वो क्या आ रही है, 3q इज इक्वल टू 4p - 60। सो ये हमारे पास एक अमाउंट आ गई है। चलते हैं इस, फिर इसके बाद क्या करना है उसको देखते हैं। उसके बाद क्या करना है जी, इसको जो हमारे पास आया था ना 3p, उसमें क्यू के साथ जो 3 बच गया था, अब उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया, ठीक है। सो परेशान नहीं होना है, अब उसको ख़त्म करेंगे। सो उसको ख़त्म कर लेते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए 3 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। 3 दूसरी साइड पे आया तो वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जहाँ पे कट सकता है मैंने काट दिया, जहाँ पे नहीं कट सकता वहाँ पे नहीं काटा। तो ये क्या बन गया है, क्यू इज इक्वल टू 4/3p - 20। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है। ओके, ईजी है, सिंपल है, अगर फिर भी समझना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं जी, मार्केट वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करने के बाद। ईजी है, वही काम है जो आप पहले करते आ रहे हो, इसमें कुछ नहीं आनी है। हाँ, चूँकि अमाउंट जो है पी की वो हमारे पास बटा में है, 8/7 के साथ है ना, 8/7 एंड 4/3। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा।
सो हमने एलसीएम भी ले लिया है लास्ट वीडियो क्वेश्चन में, हमने एलसीएम भी सीख लिया था किस तरह से लेना है। सो एलसीएम लेके इसको फिर जब सॉल्व करेंगे उधर, फिर जब उधर से बी के साथ मल्टीप्लाई और ये एस साइड पे आएगी तो ये डिवाइड होगी, लेकिन लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई और अमाउंट्स को ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये जो नीचे वाली है वो डिवाइड हो रही है, वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो रही है अब नीचे। सो यही चीज़ है और कुछ नया नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल में कहे डेसिमल में दे दे, नहीं कहे तो ना दे। उसके बाद पी की वैल्यू को पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। इट वॉज सिंपल, बस एक ट्रिकी चीज़ ये थी कि क्यू उन्होंने नहीं दिया था जिसको हमने निकालना था और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू हमारे पास, पी हमारे पास आ गया 31.15 और क्यू हमारे पास आ गया 21.53। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 13 इतना मुश्किल वाला किया है तो अगर आपसे वो हो गया तो ये तो फिर आपके लिए हलवा है ना, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा टाइम हम गुजारेंगे नहीं। ठीक है ना, आपको भी नहीं कितना होगा। सो क्वेश्चन नंबर, ये ऊपर वाला पोर्शन इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेरे ख्याल से पीछे कोई बुक आई थी, पढ़ी थी नोट्स मेरी कोई और, तो वो पेज आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, एक्स इज इक्वल टू 500 प्लस 2p, एक्स इज इक्वल टू -100 प्लस 400p। इसमें क्या किया उन्होंने, एक्स लिख दिया क्यू की जगह, काम कोई भी नहीं किया, मतलब कि बस दिमाग को ख़राब करने के लिए एक कोशिश की गई है। सो आपका दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए। इधर देखें, यहाँ से मुझे पता चल गया था कि किस तरह से लिखना है, तो मैंने प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर दिया ना। ये देखें पहले मैंने लिख दी थी। सो आपका दिमाग भी नहीं ख़राब होना चाहिए जिसकी कोशिश की जा रही है। आपने सिंपल सिंपल मतलब ट्रिक की जाती है ना, ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आपका आंसर गलत हो जाए। सो आपने परेशान नहीं होना, क्यू ही है एक्स बेसिकली, तो आपने उसको क्यू की तरह ट्रीट करना है, सिंपली वैसे ही हल होगा। ठीक है, अगर ना समझ आए वीडियो रोकें, करें ट्राई, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा, आप भी पढ़ा हुआ है, पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें से कैरी कर लीजिएगा अगर आंसर ठीक ना आए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतने इजी क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल कर लें। बताएं ज़रा, इजी करना कि मुश्किल करना। ओके, ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक से मैं इसकी पिक्चर प्रॉपर नहीं ले पाई हूँ, लेट्स सी। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, कंग्रेचुलेशंस, दो क्वेश्चंस रह गए हैं बस आखिरी, और आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, पी इज इक्वल टू, ओके इधर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं इधर लिख देती हूँ, बल्कि थोड़ा सा ना इसको लिख ही देती हूँ। इस क्वेश्चन है क्या, पी इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो क्या है, पी इक्वेशन है सॉरी, वो क्या है, पी इज इक्वल टू 7/6 प्लस एक्स। ओके, ये है जी हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है हमारे पास एक्स जो है वो, उसको हमने क्या करना है, एक्स को सेपरेट करना है, क्योंकि एक्स बेसिकली क्यू ही है, तो हमें क्यू तो सेपरेट चाहिए होता है ना। तो हम एक्स को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट पहले इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक्स के अंडर रूट क्या है, 2। सो हम उस 2 को ख़त्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप नोट करें तो फिर इसको क्या किया हुआ, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2p इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। फिर 2p को जब 2p ही उधर ही रहेगा, एक्स को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू 14, और फिर एक्स को भाई अपने साथ और कोई नहीं चाहिए, तो वो निकाल देता है 2p को, तो वो निकाल देता है जब 2p को, तो फिर क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 2p, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा। सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को भी जो हमने की थी वो क्या थी, पी इज इक्वल टू 7, ये वाली जो है ना, पी इज इक्वल टू 7/6 प्लस एक्स, तो इसको सॉल्व करना है, इसको
ये तो इजी है वैसे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है एक्स के साथ, तो हमने बस इसको इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा, बल्कि एक्स को इधर ही रखते हैं और क्या करते हैं, 7/6 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। 7/6 जो है वो दूसरी साइड पे जाके तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी ट्राई टू, इसको हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक्स को वैसे ही रहने दिया है, ठीक है, बल्कि इस तरह से पी को, पी और एक्स वैसे ही रहे हैं। 7/6 जो है ना वो उस साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7/6 ठीक है इज इक्वल टू, और एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। पी माइनस 7/6 ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला स्टाइल जो है वो उसको चूज किया लिखने के लिए, ठीक है। आप नोट करो, इधर रख लेते हैं मेरी, तो इधर ही रुक जा, ठीक है, आप नोट करो। तो मैंने जो है ना, बजाय उसके कि मैं वो वाला ऊपर वाला स्टेप फॉलो करूँ, मैंने नीचे वाले स्टाइल से लिखा हुआ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 7/6, पी माइनस 7/6 ओवर इज इक्वल टू एक्स की जगह, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। उसके बाद का काम वो है जो आपको आता है, आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, ठीक है। देख लें एक दफ़ा, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। 14 जो क्यू डी है, या उसको कह लें फर्स्ट इक्वेशन है, वो है 14-2p इज इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन है, p माइनस 7/6। तो उसको जब हल करेंगे तो क्या आ रहा है भाई, हल करने से आ रहा है 14 जो है, अब क्योंकि हमने ये किया है कि p p एक साइड पे कर लिए और q वो जो दूसरी वैल्यू से उनको एक साइड पे कर लिए, तो उनको एक साइड पे ये सो हमने क्या किया है भाई, हमने दूसरी वैल्यूज ना एक साइड पे कर ली है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये क्या हुआ है, 14+7/6 इज इक्वल टू p+2p, और जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास इस क्या आ रहा है, 14। इसका मैं चले आपको लेकर दिखा देती हूँ, एलसीएम मैंने डिडक्ट कर दिया उधर, 14 14। एक मिनट, मैंने अमाउंट प्रॉपर किया, हाँ ठीक है, 14+7/6 ओके। सो लेट्स 14+7/6, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो। नो, ये कलर तो प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है आई थिंक, सही, दिस इज बेटर वन। अगर नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये यूज़ ना करूँ कलर। ओके, सो क्या है, इसको फिर हमने क्या किया, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 6 तो नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना, क्योंकि दूसरी साइड पे तो कोई है ही नहीं। तो 14, ये 24 हो गया, 14 मैंने लिखा था, हाँ जी। तो देखेंगे कि भाई 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 14 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएं जरा। आंसर आएगा 14 को जब मल्टीप्लाई किया, एक मिनट लेट मी, मुझे दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेने दे। फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 84, 84 +7 ठीक है, ये आ गया ना 7/1। सो इसको जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 84 में 7, आंसर क्या आएगा, 91/6 ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने 91/6 लिख दिया है, मैंने 84+7/6 नहीं लिखा, मैंने 14+, मैंने अंदर से एक स्टेप खा गई हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा आपको ज़रा हेल्प हो जाएगी, मैंने इसको दोबारा कर दिया है, वो जो स्टेप खाए ना यहाँ पे, देखें आप नोट करें तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप खा लिया है। खैर, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसको डिवाइड कर दिया है,
तो डिवाइड 91 को जब 6 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 15.17। और इसको जब मज़ीद हल करेंगे आगे चल के, देख लेते हैं फिर क्या आता है। फिर क्या होता है भाई, फिर हमारा आंसर आ जाता है पी। ठीक है, उसको मज़ीद, क्योंकि पी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पी इज इक्वल टू 5.06। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने पुट किया इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन कौन सी में पुट करना है, इक्वेशन ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और मेरा इसकी वजह से नंबर भी कटा है। आपने इक्वेशन वो लेनी है जिस इक्वेशन को आपने पुट किया है। ठीक है, मतलब जो फार्मूला के अंदर पुट हुई है ना दो इक्वेशन, जैसे इस फार्मूला में अब कौन कौन सी पुट हुई थी, इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो हमने 3 या 4 में से कोई एक लेनी है। ठीक है, तो मैंने 3 ली है, 3 में पुट करके तो ये जो आंसर क्यू का भी निकल आया है। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आखिरी आज का क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पी इज इक्वल टू 5 - x/2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6p = 6+x। अच्छा, ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी कोई ऐसी वो नहीं है कि बंदा परेशान हो जाए। इसमें एक्स को अकेला करना है, तो भाई एक्स को अकेला करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक्स डिवाइड हो रहा है, एक्स के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बन रही है वो क्या आ रही है, x = 10 - 2p। उसके बाद बाय री राइटिंग मैंने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ ना पा रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने बाय राइटिंग सेकंड इक्वेशन को दोबारा से लिखा। सेकंड इक्वेशन को लिख के एक्स 6p = 6+x, तो इसमें तो सिंपल सा है, एक्स को सेपरेट कर देंगे, 6p - 6 जो है वो एक साइड पे आ जाएगा। फिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, और वो काम वो है जो आपका आता है। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। चलें जी, तो क्या करना है, हमने करना ही है कि हमने 10 - 2p = 6p - 6। इसमें अच्छा एक खूबसूरत चीज़ यह है इस क्वेश्चन की, इसमें बटा में नहीं आया यार, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही। ठीक है, एलसीएम शेलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा, तो पी पी को एक साइड पे ले जाएंगे, पी की वैल्यूज़ को और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 6p + 2p = 10p + 6। उसके बाद इनको जब ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 8p = 16। और फिर इनको जब 8 तो दूसरी साइड पर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 16/8, और इसका आंसर क्या आएगा, p = 2। सो p की जो वैल्यू आई है उसको फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, बिना देखे बताएं सर जल्दी से। बिल्कुल ठीक, थर्ड या फोर्थ में कर सकते हैं, फर्स्ट टू में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होती तो फिर हमें ठीक करना ना पड़ता। ठीक है, उनमें से एक्स को सेपरेट ना निकालना पड़ता। सो जिसमें एक्स सेपरेट निकला हुआ है हम उस वैल्यू को लेंगे और उस इक्वेशन को सॉरी लेंगे, इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास क्यू क्या आ रहा है, 6। ठीक है, ये है जी हमारा आज का जो काम था। हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बाय हमीद शाहिद, चैप्टर 3। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को, पहले 9 क्वेश्चंस को करेंगे, और जो सेकंड बनाएंगे उसमें हम नेक्स्ट जो हमारे रह जाएंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उससे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर की 3 ही एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर भी 3 है और चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी 3 हैं। उसमें एक टोटल क्वेश्चन ही 7 है, कोई इतना वो पंगा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लंबे हैं और अभी तक मैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाई हूँ, बाकी 6 क्वेश्चन की अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है। सो वो मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आएंगी। ठीक है, उसके दरमियान में मैं माइक्रो या मैक्रो की कोई कोशिश करूँगी, कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर दूँ। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर हेल्पफुल रही प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप ताकि पता चल जाए भाई हेल्पफुल रही, या कमेंट में बता दीजिएगा, दोनों काम करेंगे जो आपको आसान लगे। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो या कोई टॉपिक हो जो आप समझते हो इसके ऊपर कोई बात होनी चाहिए या इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर दो या ये एंड वो, तो जस्ट टेल मी। इसके बाद हम, मैं सिर्फ पेपर पैटर्न के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद भी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता कितनी मुश्किल होती है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क मी। ओके, टिल देन बाय बाय।